संजय निषाद कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, निषाद समाज में जो वो वर्चस्व रखते थे पहले वो भी अब नहीं रहा उनका वर्चस्व, मगर अचानक से निकल करके इतने बागी तेवर दिखाने के क्या कारण हो सकते हैं? कह रहे हैं कि पूरा पूरा जो दोष है वो प्रशासन का है, कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य वो बिल्कुल ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं, और बुलडोजर नीति से लेकर के तमाम ऐसी सारी चीजें वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये चीजें ठीक नहीं है। चरण जी, अचानक इतना बागी हो जाना क्या कारण हो सकता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लोकसभा चुनाव की हार के बाद में सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़ने की ये सब कवायद है जो इस समय चल रहा है जी। केशव प्रसाद मौर्य भाई कोई आम कार्यकर्ता तो है नहीं है, डिप्टी सीएम है। निषाद जो है, संजय निषाद कोई आम कार्यकर्ता तो है नहीं है, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। तो भाई ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन हमारी सुनता नहीं है, तो इन दोनों लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए जी। केशव प्रसाद मौर्य को, संजय निषाद को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई हमारे प्रशासन सुनते ही नहीं है। आप योगी आदित्यनाथ ने क्या सरकार का ठेका ले रखा भाई? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, आप उप मुख्यमंत्री हैं, संजय निषाद मुख्यमंत्री है, आपकी नहीं सुन रहे? सीधे सीधे यदि ये लोग सरकार पर उंगली उठा रहे हैं तो सरकार का हिस्सा तो ये भी है भाई जी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का मतलब सरकार नहीं होता है, सरकार में मंत्री भी होते हैं, सरकार में विधायक भी होते हैं, सरकार में और लोग भी होते हैं, तो एक मुख्यमंत्री का मतलब सरकार थोड़ी होता है। तो ये लोग जो है जो उंगली उठा रहे हैं कि भाई शासन के लोग हमारी नहीं सुनते, ये सीधे सीधे जो है ये अपने ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि भाई क्या इस संगठन में भारतीय जनता पार्टी का तत्काल रूप से केशव प्रसाद मौर्य को, संजय निषाद जैसे लोगों को तत्काल रूप से जो है एक्शन लेना चाहिए संगठन को जी। भाई सरकार किसकी है? सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है, सरकार बहुजन समाज पार्टी की नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की है। केशव प्रसाद मौर्य किस कौन सी पार्टी के नेता है भाई? संजय निषाद कौन सी पार्टी के नेता है? संजय निषाद जो है तो वो एनडीए का हिस्सा तो है ना, तो एनडीए का हिस्सा संजय निषाद है तो अपनी सरकार पे तो उंगली उठा रहे हैं, केशव प्रसाद अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, और योगी आदित्यनाथ नहीं है, मैं केंद्र सरकार की भी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे प्रदेशों में जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां की भी बात कर रहा हूँ, नौकरशाह को तवज्जो देती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है। और उसमें नौकरशाह जो है, तो जब भाई नौकरशाह को आप तवज्जो देंगे, आप मंचों से बोलेंगे, नौकरशाह की तारीफ करेंगे अपने कार्यकर्ता के सामने, तो उनका मनोबल तो बढ़ेगा कार्यकर्ता को। देखिए इसमें कहीं से दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में जो अधिकारियों को, नौकरशाह को जो तवज्जो दी जाती है उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, इससे कहीं दो राय नहीं। लेकिन ये जो बातें हैं जो संजय निषाद बोल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, ये बातें आंतरिक रूप से होती है जी। जो मीटिंग है जिसकी मीटिंग की सूचना मीडिया को भी नहीं होती है, भाई केशव प्रसाद मौर्य जो है योगी आदित्यनाथ से मिल नहीं सकते क्या? वो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, आप मिलकर योगी आदित्यनाथ से शिकायत कीजिए कि भाई फला नेता जो है, फला अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा है। अब एक प्रकरण मैं आपको बता रहा हूं, राकेश त्रिपाठी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, उनकी गाड़ी की तलाशी ली, सब इंस्पेक्टर हैं, वो भी त्रिपाठी हैं, उनके जो है गाड़ी की तलाशी ली, उनका कहना यह भाई श्रीनगर से जो है हम जो है वहां से घूमने के बाद में एयरपोर्ट से जब उतरे गाड़ी से हमारी तलाशी ले ली, ना मैंने कोई होटल लगा रखा था, ना मैंने कोई ऐसा कुछ जो है गलत काम नहीं किया था, लेकिन मेरी तलाशी ली गई। अरे भाई आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको तो आगे बढ़कर तलाशी दिलवानी चाहिए, आपको पहल करनी चाहिए। भाई ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी की तलाशी क्यों नहीं ली जा सकती है? यदि आम आदमी की गाड़ी की तलाशी ली जा सकती है, योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर का यदि कहीं अभियान चलाया कि भाई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, अभियान चलाया योगी आदित्यनाथ ने, तो तलाशी भारतीय जनता पार्टी के नेता की क्यों नहीं ली जाएगी? आगे बढ़कर तलाशी, ईगो पाल रखा है, एम पाल रखा है कि साहब हमारी गाड़ी की तलाशी क्यों ले ली?